यहूदी भारत आए, उनको कितनी प्रस्तावना आए कि इसराइल वापस आ जाओ। एक यहूदी भारत से इसराइल नहीं गया। इस देश को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, हर यहूदी का वचन था। अब इस भारत के साथ आखिर संकट क्या है? ये नारों का संकट नहीं है, ये तो आए और गए, मूल संकट कुछ और है। पंथ निरपेक्षता और मल्टी कल्चरलिज्म, बहु सांस्कृतिक बात में जीना और उसके साथ होने में अंतर है। हम किस संस्कृति में विश्वास करते हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति आलोचना से परे नहीं है। दो चीजें हमारी संस्कृति की के अवयव हैं। नो वन इज अबव क्रिटिकल जोन, आलोचना के दायरे से बाहर ना देवता है, ना देवता के भक्त हैं, ना कोई धार्मिक पुस्तक है। इसीलिए तो नए धर्मों का उदय होना, नई संभावनाओं के साथ नए दर्शन का आना और भविष्य में नए दर्शन की प्रतीक्षा में हम जीते हैं कि शायद भविष्य में एक नया दर्शन, नए देवता, नई जीवन पद्धति आएगी। यह आशावाद का प्रयोग धर्मी देश है। हम अध्यात्म की प्रयोग धर्मीता में जीने वाले लोग हैं। एक ही परिवार में चार प्रकार के लोग जीते हैं। इस प्रयोग धर्मी देश में जब आलोचना के दायरे में हम ईश्वर को और धर्म को भी रखते हैं तो जीवंतता के साथ सभ्यता का प्रवाह होता है। दूसरा अवयव क्या है? एक तो क्रिटिकल जोन हो गया, दूसरा अवयव है कि हर मनुष्य में हम पहले अच्छाई का भान देखते हैं। इन दो कारणों से ही भारत की सभ्यता ने दूसरी सभ्यताओं से अपना अलग स्थान बनाया। अब जय पश्चिम की ओर, इस देश में दो रिलीजन का आगमन हुआ मित्रों, धर्म और रिलीजन में बुनियादी अंतर। इस अंतर को हम क्यों नहीं समझ पाए? और मैं क्यों कहा जवाहरलाल नेहरू जी के साथ गुलामी की निरंतरता बनी रही, इसके लिए मुझे जवाहरलाल नेहरू जी के व्यक्तित्व पर मैं प्रहार नहीं कर रहा, मनुष्य मानसिकता पर प्रहार कर रहा हूं। 1931 में दो भाषण हुए, एक भाषण महात्मा गांधी ने लंदन में दिया रॉयल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन के बारे में कहा कि आप भारत में धन लूटे, भारत की आजादी छीने, इसकी मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंता है आपने एक सुंदर वृक्ष का अंत कर दिया, इसका अंग्रेजी में कहा डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटीफुल ट्री। भारत की शिक्षा व्यवस्था जिसमें संस्कार, जिसमें मनुष्य का निर्माण था, उसे समाप्त कर दिया। दूसरा भाषण कलकत्ता में आशुतोष मेमोरियल लेक्चर 1931 में था, जिन्होंने भाषण दिया उसके, उनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। भारत के सबसे अच्छे बुनियादी मौलिक विचार करने वाले अगर तीन भाषण होंगे आधुनिक भारत में तो वो उनमें से एक भाषण है। श्री केसी भट्टाचार्य, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य एक दार्शनिक थे, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा विचारों की गुलामी हो गई है, कहा जब मनुष्य मनुष्य को गुलाम बनाता तो दिखाई पड़ता है, जब राजनीतिक गुलामी होती है तो वो दिखाई पड़ता है, जब आत्मा को गुलाम कर लिया जाता है वो दिखाई नहीं पड़ती है, वह विचारों की गुलामी से भारत गुजर रहा है। जिस दिन विचारों की गुलामी से भारत मुक्त हो जाएगा, वास्तव में भारत का पुनर्जन्म उसी दिन होगा, और आज हम विचारों की गुलामी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जितने ताकते हैं उन्हें डर, हम डर किसी के सत्ता से नहीं है। 2014 के परिवर्तन से वे क्यों घबराए? घबराने वाले की एक पंक्ति में सुनाता हूं। ब्रिटेन की का एक अखबार है द गार्डियन, आपने नाम सुना होगा। गार्डियन ने 18 मई 2014 को एक संपादकीय लिखा जो मनुष्य के अस्तित्व को चुनौती दे रही। इसलिए मैंने कहा कि आज हमें कहा जा रहा है कि रिलीजन और धर्म एक है, दोनों एक नहीं। 1911 के सेंसस रिपोर्ट में लिखा फॉर हिंदू धर्मा मीन्स कंडक्ट, मोरल कंडक्ट दैट इज इंटरप्रेटेड इन वेरियस वेज, कंडक्ट फॉर पेरेंट्स, कंडक्ट फॉर फैमिली, कंडक्ट फॉर नेवर्स, कंडक्ट फॉर टीचर्स, कंडक्ट फॉर सोसाइटी, कंडक्ट फॉर नेशन, बट फॉर अस रिलीजन मीन्स ए फिक्स्ड आइडिया। अब एक चीज बताइए, ये पश्चिम के दो महत्वपूर्ण रिलीजन भारत में, मैं उनके प्रति कोई आस्था नहीं है, लेकिन भारत को तो प्रयोगशाला बना रहना है। प्रयोगशाला के मिटने के बाद किसी वैज्ञानिक को कोई स्थान नहीं मिलेगा, तो हमें भारत भूमि को, भारत की प्रयोगशाला को बचाने के लिए मैं बुनियादी सवाल उठा रहा हूं।